काशी काव्य गंगा साहित्यिक मंच पंजीकृत की 123वीं गोष्ठी संस्था अध्यक्ष भूलतकर बनारसी के 65वें जन्मदिवस के रूप में धूमधाम से मनाई गई। काशी काव्य गंगा साहित्यिक मंच वाराणसी की साप्ताहिक 123वीं गोष्ठी जो भूलतकर बनारसी के अवतरण दिवस के रूप में रविवार को उनके निवास स्थान चंदुआ छित्तुपुरा वाराणसी में मनाया गया। इस गोष्ठी की अध्यक्षता श्री कंचन सिंह परिहार और विशिष्ट अतिथि जकप के प्रदेश अध्यक्ष श्री गंगा सहाय पांडेय, संचालन संस्था के महासचिव गजलकार गोपाल केशरी ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में संस्था के अध्यक्ष हास्य व्यंग्य कवि भूलतकर बनारसी ने सभी उपस्थित कवियों व शायरों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। तदोपरांत सरस्वती वंदना सिद्धनाथ शर्मा सिद्धनेकर कार्यक्रम की शुरुआत किया। उपस्थित कवियों और शायरों में हास्य व्यंग्य कवि भूलतकर बनारसी, कंचन सिंह परिहार, डॉ शरद श्रीवास्तव, संतोष कुमार प्रीत, जयप्रकाश मिश्र धानापुरी, आशिक बनारसी, खलील अहमद राही, सिद्धनाथ शर्मा, अवधेश प्रसाद मिश्र मधु, विजयचंद त्रिपाठी, दिनेश दत्त पाठक, डॉ छोटेलाल मनमीत, गजलकार गोपाल केशरी, शैलेन्द्र कुमार अम्बष्ट, विजय आनंद, विनय कुमार श्रीवास्तव, डॉ नेमा यादव, डॉ विनोद स्वामी, श्री नरोत्तम शिल्पी, गोपाल केशरी, मुनीन्द्र पांडेय मुन्ना, मनीन्द्र श्रीवास्तव फुर्तिला, पत्रकार सुनील कुमार जायसवाल, रामनारायण पांडेय, आनंद कृष्ण श्रीवास्तव मासूम, डॉ विनोद स्वामी, गणेश कुमार सिंह प्रेरी, सत्यनारायण जी व किशन यादव इत्यादि रहे। भूलतकर बनारसी का 65वां जन्मदिन केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। भोजनोपरांत के बाद संस्था के साहित्य महासचिव गोपाल केशरी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। उसके उपरांत संस्था के संरक्षक आदरणीय दीपक दबंग के माताजी देहांत पर 2 मिनट का मौन रहकर मृत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। उसके उपरांत गोष्ठी स्थगित किया गया। भूलतकर बनारसी अध्यक्ष काशी काव्य गंगा साहित्यिक मंच पंजीकृत वाराणसी। आज के जन्मदिवस के अवसर पर मेरी भावना को समझते हुए उन 4 पंक्तियों को स्वीकार कर मंत्री जी हास्मय सुहास्मय दीप्तिमय प्रकाशमय हास्मय सुहास्मय दीप्तिमय प्रकाशमय चिर उमंग हर्ष का इस नवीन वर्ष का ज्योतिया उड़ेल कर हास्मय सुहास्मय दीप्तिमय प्रकाशमय चिर उमंग हर्ष का इस नवीन वर्ष का ज्योतिया उड़ेल कर यह दिया जला करे रश्मिया बिखेर कर यह तेजा जला करे कि घोर अंधकार में तीव्र तंबयार में घोर अंधकार में तीव्र तंबयार में लहर लहर झेल लहर लहर खेल कर यह दिया जला करे रोशनियां बिखेर कर यह दिया जला करे। और ये छोटे और जीवन का एक गीत है कि मानव जीवन एक एक पल एक एक क्षण से बीत रहा है जी, और हम लोगों को इसी पल में जीना भी है, इसी पल में आने वाले भविष्य के लिए तैयारी भी करें। तो एक भाव भैया से भैया को लिखा हूँ, आशीर्वाद भैया का स्वागत कि जीवन बीत गया जीवन बीत गया लाया था अनमोल खजाना यूं ही रीत गया जीवन बीत गया जीवन बीत गया तू आया था जगत अकेला देख लुभाया माया मेला बाजी नाम लगा कर कोई हारा जीत गया जीवन बीत गया तन मन भौतिकता
में खोया, तन मन भौतिकता में खोया, अंक गणित में जागा सोया, अंक गणित में जागा सोया, उड़के प्रीतम को बिसुराकर ढूंढे नीत नया जीवन बीत गया। शक्ति स्वरूपा मातु भवानी, नवले ज्ञान भरो मन रानी, शब्द सुरों की करो साधना, शब्द सुरों की करो साधना, गाऊंगी गीत नया जीवन बीत गया। कहीं चक्कर चुक्कर टूट जाते हैं, ऐसा बुद्धिमान वो बुझक्कड़ होना चाहिए। गलती करे न खुद कोई मगर हो ईमानदार और अखड़ होना चाहिए। कविता करने की भूख और हास्य व्यंग की हो परत, ऐसा ऊर्जावान वो भुखड़ होना चाहिए। खर्च भी करे कभी न चिंता, आमदनी न कोई सरिता, ऐसा उदार मनस्वी तो फक्कड़ होना चाहिए। मौसम ने आने से मुझे रोका, और घर वालों ने कहा मत जा, पड़ोसन ने मुझे टोका, घर वालों ने कहा मत जा, पड़ोसन ने मुझे टोका, फिर भी मैं चला आया आप सबके प्यार की खातिर, और लगाओ काव्य रस गोता, बजाओ खुल करके ताली। संचालक महोदय ने अभी अभी आह्वान किया कि भाई तालियों से जो हौसला बढ़ाते रहिए। मैं आदरणीय फुलक्कड़ नारती जी, काशी काव्य गंगा के संस्थापक संरक्षक अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक, हमने इनसे कहा कि हम आएंगे लुलारा कुंड मेला जो लगता है भदेनी में, जिसमें लगभग 3 लाख लोग कुंड में स्नान करते हैं, वहाँ कई वर्षों से हम कैंप लगाते हैं, जिसमें बहुत सी औरतें बेहोश हो जाती हैं, लाइन लगाए रहती हैं, उनके लिए पानी की, जो भूले बच्चे बच्चे होते हैं उनके लिए वहाँ बैठा करके उनके घर वालों को बुलाया जाता है। यातायात के नियंत्रण में हमारे जो पदाधिकारी हैं वो सहयोग करते हैं। तो हमने उनसे भुलक्कड़ जी को बताया भी था कि 8 बजे उसकी मीटिंग SPCT कार्यालय में, जहाँ पर सब अधिकारी लोग आएंगे, और उसमें हमारा आना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हम आपके बीच से अभी उस मीटिंग में जाना है। आपने देखा कि वो जो SPCT हैं बहुत कम उम्र की 30-32 साल की लड़की हैं, लेकिन उन्होंने कहा 5-15 पर आएंगे, तो ठीक 5-15 पर वो आई गई हैं हम लोग के यहाँ। और उस दिन एक एक्सीडेंट हो गया था चौका घाट में, वहाँ जाम वाम का मामला था, इसलिए वो उस दिन हम लोग के साथ की तरह चमकते रहे, चांद सूरज की तरह चमकते रहे, चांद सूरज की तरह चमकते रहे, अरे मिथिले कुलिया मिथिले कुल महकते रहे
मिसले बुए गुलिस्ता महकते रहे। चांद सूरज की तरह चमकते रहे, चांद सूरज की तरह चमकते रहे। नीचे रखिए, हमारी ग्रंथि से नीचे रखिए, लाइक के चक्कर में भूल जाएगा, बात तो खत्म बन जाएगा। थोड़ा ऐसे लिए थे आप, आप बोलिए, ऐसे हाथ लिए थे आपसे बोल ले तो आप वैसे रिपोर्टिंग करेगा। चलिए इधर आओ। चांद सूरज की तरह चमकते रहे, चांद सूरज की, और दो मिसरे आजादी वादा फरमाए, कर रहा है रब से आशिक यही कर रहा है, दुआ रब से आशिक यही कर रहा है दुआ, अरे बुलबुलों की तरह से चहकते लगे, बुलबुलों की तरह से चहकते लगे, बुलबुलों की तरह से चहकते रहे। और आइए गजल, वैसे तो खलील भाई ने जो है, अर्चना है मेरी, अर्चना है सदा सर्वदा नित्य ही, कर्म पथ पर पढ़ो मंगल हो आ रहे, जन्मदिन हो मंगल सदा ही सदा, वास लक्ष्मी करे धन वैभव बढ़े, रक्षा करते गजानन रहे सर्वदा, रिद्धि सिद्धि के घर में वास करे गंगा यमुना, कृपा माँ करे नर्मदा, माँ करे नर्मदा, डिम डिम डमरू निनाद सुनाते मिले, कष्ट सारे हरे विष धारे गले, जय जय होता रहे मधु दिल से कहे, कामना है यही वंदना है मेरी, ईश रक्षा ईश रक्षक बने जीवन जब तक रहे, ईश रक्षक बने जीवन जब तक रहे, कार्य पूरा हो मन में सोचा सभी, कर कभी खुशियां द्वारे से तेरे भगे, उज्जवल बन के तो जीवन निद्रित जगे। कविता के माध्यम से आप इसी प्रकार से आप खुद निद्रा को त्यागिए और समस्त निद्रावान को जगाइए, कर्मपथ हो सदा अग्रसर अग्रसर, कर्मपथ हो सदा अग्रसर अग्रसर, धर्म रक्षक बने ईश रक्षा करे, सबको अपना बनाते रहे, सबको अपना बनाते रहे, उम्र भर मुस्कुराते रहे, मान सम्मान सबका मिले, मान सम्मान सबका मिले, प्यार सबको लुटाते रहे, प्यार हरदम लुटाते रहे, उम्र भर मुस्कुराते रहे, दिल से दिल को सदा जोड़ कर, दिल से दिल को सदा जोड़ कर, हाथ सबसे मिलाते रहे, उम्र भर मुस्कुराते रहे, चांद सूरज है जब तक यहाँ, चांद सूरज है जब तक यहाँ, आप भी गुनगुनाते रहे, आप भी गुनगुनाते रहे, रब से मेरी यही है दुआ, रब से मेरी यही है दुआ, प्यार सबका ही पाते रहे, प्यार सबका ही पाते रहे।
किसी निर्धन का चूल्हा जले, किसी निर्धन का चूल्हा जले, भाव ऐसा जगाते रहे, भाव ऐसा जगाते रहे। अंत में देखिए, देश की अस्मिता के लिए, देश की अस्मिता के लिए लेखनी को चलाते रहे, देश की अस्मिता के लिए लेखनी को चलाते रहे, उम्र भर मुस्कुराते रहे, स्नेह सौरभ उड़ाते रहे। धन्यवाद। सोहर का चार लाइन तो सुना दीजिए। आप भाई तो सोहर वाले हैं। अंगना भैल जन्मदिन पर सोहर पर दो लाइन का जब फरमाइश सुना देता हूँ कि अंगना भैल गुलजार ननदिया के बोलाइले बाबू, कि अंगना भैल गुलजार वही ननदिया के बोलाइले बाबू, सैया नैहर से आई बासठौरा कॉलोनी में बटवाइले बाबू, अंगना भैल गुलजार ननदिया के बोलाइले बाबू, सैया नैहर से आई बासठौरा कॉलोनी में बटवाई दे बहू, सैया नैहर से आई बासठौरा कॉलोनी में बटवाई दे बहू। एकदम पूरा कचौली गली जिंदगी को मौत के मुहाने पर लिए बैठा हूँ, दब न कर दूंगा हर कोशिश दुश्मने हिंद की, मैं देश की दुआओं का तूफान लिए बैठा हूँ। फौजी रोता कब होगा, फौजी रोते नहीं है तो फौजी रोता कब होगा। बंदूक तान कर देख लिया आंखों से आंसू नहीं गिरे, बंदूक तान कर देख लिया आंखों से आंसू नहीं गिरे, शीश काट कर देख लिया आंखों से आंसू नहीं गिरे। फौजी रोया था कश्मीरी मीनारों पे, फौजी रोया था पत्थर काट के कश्मीरी मीनारों पे। हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, एक हैदराबाद का नालायक को बोलता है मैं वंदे मातरम नहीं कहेगा, तब बोलता हूँ कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये सुनकर फौजी रोया था। तुम कितने अफजल मारोगे ये सुनकर फौजी रोया था। आगे तो मैं चाहता है फौजी कि जब घर से आता था कि क्या सोचता होगा कि जब जब घर की याद सताए आंखों को मिचकाते हैं, जब जब घर की याद सताए आंखों को मिचकाते हैं, गंगा सा पावनतम पानी आंखों में रुक जाता है। माँ ने घर से विदा किया था एक बलैया लगाया था और दादाजी ने गले लगाकर माथे को मिचकाया था। बेटी बोली पापा कुछ देर रुक जाओ, अपनी कसम दिलाती हूँ पापा सड़क मत जाओ। पापा बेटा बोला मैं भी साथ तुम्हारे जाऊंगा, तुम बंदूक चलाना मैं झंडा फहराऊंगा। और जब सब आता होगा सैनिक का तब कहेगी लहू सना जब सौ सैनिक का दहरी पर आया होगा, लहू सना जब सौ सैनिक का दहरी पर आया होगा, पापा 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 का कीमती समय और बरसात के मौसम में दूरी की नोट देखते हुए आए। सबके श्री चरणों में निवेदन करते हुए मैं अपने छंद के माध्यम से आपका स्वागत करता हूँ। कनाक्षरी छंद, तीन छंद लिखे हैं कनाक्षरी, एक सवंजा है कुंडलिया। जितने पधारे भी किसी ही है महान यहाँ, जितने पधारे भी वे ही है समान यहाँ, जितने पधारे किसने ही है महान यहाँ, सब है शुभेच्छुमेरम मेरे मुझे विश्वास है। जितने पधारे किसने ही है महान यहाँ, सब है शुभेच्छु मेरे मुझे विश्वास है। पाक सहयोग फल की फूल की ये संस्था है। अपने सभी हैं सब लोग मेरे खास हैं, अपने सभी हैं सब लोग मेरे खास हैं, करता
लखन बार मारी सब मेरे भूख सब लोग मेरे प्यास हैं और दीर्घायु सब होवे सब लोग ही आगे बढ़े दीर्घायु सब होवे सब लोग ही आगे बढ़े कविता की ज्योति से रचाता इतिहास है कविता की ज्योति से रचाता इतिहास है। एक सवैया छत्र सुनाते हैं जो भी जुटे शुभ स्नेह दिए सबको सतबार प्रणाम मेरा है जो भी जुटे शुभ स्नेह दिए सबको सतबार प्रणाम मेरा है आप न भूले युवाते रहे समझे सब लोग की काम मेरा है पाकर प्यार दुलार प्रभु पाकर प्यार दुलार सब सब पाया भी सुख धाम मेरा है भूल मैं जाऊं तो माफ करे भूल मैं जाऊं तो माफ करे ये छोटा भूलक्कड़ तो नाम मेरा है ये छोटा भूलक्कड़ तो नाम मेरा है। और एक कुंडलिया छंद देते हैं आज यही के अवसर के लिए तीनों लिखे थे जन्मदिन के अवसर पर भीड़ लगी है यार जन्मदिन के अवसर पर भीड़ लगी है यार हर लोग प्रसन्न दिखते खास आज ये रात खास आज ये रात खास आज ये रात कवियों का हलचल बढ़ा सब आकर समय से हो गया यहाँ पर खड़ा कहे कवियर देखिए सामने खुशियों का दिन हम सब मनाएंगे भुलक्कड़ का जन्मदिन भुलक्कड़ का जन्मदिन भुलक्कड़ का जन्मदिन। ये दिन मैंने लिखा था अपने जन्मदिन पे और कुछ अपने छंद सुनाते हैं माता शक्ति भी बैठी हुई है तो एक छंद माता के ऊपर सुनाते हैं कि भूख प्यास जाग धूप छांव को विसार कर पालती जो माँ उसे इतना अधिकार है उसकी औलाद हर बात का ध्यान रखे कह सके न कोई की माँ देखो लाचार है बेटे को होते हुए माँ अगर कष्ट में रहे वैसे औलाद का होना ही बेकार है अब बुढ़ापे में माँ का जो सहारा नहीं बन सके बुढ़ापे में माँ का जो सहारा नहीं बन सके ऐसे औलादों को भुलक कर धिक्कार है ऐसे औलादों को भुलक कर धिक्कार है। कुछ अपने विधा पे आते हैं कि छोड़ के लाजा लिहाजा सभी कल की मार के वो रिझाने लगे हैं चार बेटों के पाप खरे तितली के पीछे मदराने लगे हैं बात खुली पत्नी तक गई तो बच्चों के हाथ पीटाने लगे हैं अब भूल हुई भूला कारण से अब खटिया के नीचे लुकाने लगे हैं भूल हुई भूला कारण से अब खटिया के नीचे लुकाने लगे हैं बेरन ले पत्नी द्वारे दिखी अब भैया जी अंदर कैसे जाए दारू की बदबू जाती नहीं एक साथ तो मन भले हैं भुलाए दादा के बोले कि पीछे है तो जब पत्नी दहल तो भाग पराए भूलकर भी उस्ताद करे छठ पाँव में गिर कर लाज बचाए छठ पाँव में गिर कर लाज बचाए मौसम ने आने से मुझे रोका कौन रोका सच्चाई बारिश के मौसम ने आने से मुझे रोका और घर वालों ने कहा मत जा पड़ोसन ने मुझे रोका क्या सौभाग्य है भाई अहो भाग्य पड़ोसन ने मुझे ढोका फिर भी मैं चला आया आप सबके प्यार की खातिर लगाओ काव्य रस गोता बजाओ खुल करके ताली आह्वान किया तालियों से जब हौसला बढ़ाते रहिए
मैं आदरणीय भूलेश्वर बनारसी जी काशी का प्रगंगा के संस्थापक संरक्षक अध्यक्ष हम सबके मार्गदर्शक आपका जन्मदिन है तो मैं दो चार लाइन लिखा हूँ प्रयास करता हूँ सुनाने का। स्वागत स्वागत है स्वागत है। आप हंसते रहे आप हंसते रहे आप हंसते रहे आप हंसते रहे आप पर गम की कभी न साया पड़े आप हंसते रहे हो जन्मदिन मुबारक फुलकर बना दीजिए आपको हो जन्मदिन मुबारक पड़े भैया आपको चांद सूरज बने कविता के क्षेत्र में चांद सूरज बने आपके क्षेत्र में आपसे रोशनी हम सभी को मिले आप क्या करें क्या करें क्या करें आप पर गम की कभी न साया पड़े और मैं आपको पुरस्कार क्या दूं आपको तोहफा क्या दूं ये तोहफा मैं क्या दूं आपको ये मेरी उम्र आपको जा लगे आप हंसते रहे आप पर गम की कभी न साया पड़े क्या करने वाले गैरों में कहां गम था गैरों में कहां गम था अपनों ने मुझे मारा और बच्चे हैं चार इनके लगते हैं सर कुमारा हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू।